आज हम लोग ये स्पीड डिस्टेंस टाइम में पढ़ रहे हैं, तीसरा क्लास है ना। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले क्लास में जो हम लोग आर्यन रेशियो तैयार किए थे वो तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चन पे सीपीआर भी अप्लाई करेंगे, दोनों को पकड़ेंगे, और जनरल जो मेथड है बुक वाला उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से समझिएगा, कोई शोर मत कीजिएगा, बाहरी बात नहीं करेंगे। दूसरा एक दिक्कत क्या है कि बगल में आवाज़ तुरंत होने वाला है, लंच टाइम हुआ है, तो कंसंट्रेट करके रहना है ताकि उससे पहले हम लोग निपट लें तो बढ़िया होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता था, बता चुके हैं, तो इस केस में जो आर्यन रेशियो अप्लाई करते थे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो उस केस में हम लोग आर्यन रेशियो हुआ था एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन, ये एक देखे थे। दूसरा देखे थे कि जब टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो टाइम कांस्टेंट होगा ये, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, और उस केस में होता था एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू। और एक और था जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो इस केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। और इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि d1 वन बाई डी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी। इसको फॉर्मूला के तौर पर याद मत कीजिएगा, बस खाली यहाँ से देखना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ इनवर्सली हुआ, उल्टा कर देंगे, टाइम कांस्टेंट हुआ डायरेक्टली हो गया, स्पीड कांस्टेंट हुआ डायरेक्टली हो गया। अब क्वेश्चन पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज पे वर्क करना है हम लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सीपीआर वाला भी फंडा हम लोग को याद है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा, होगा ना, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो जब ये डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये दोनों जो है प्रोडक्ट एक दूसरे का इन्वर्सली हो जाएगा, और इन्वर्सली होगा तो इस पे सीपीआर अप्लाई, और सीपीआर अप्लाई होगा तो एक्स बाई वाई के रेशियो में बढ़ता था, इंक्रीज करता था, और एक्स बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो में घटता था, ये डिक्रीज होता था। अब जिस लड़का को ये नहीं पता होगा वो सीपीआर नहीं अप्लाई कर पाएगा, और जो सीपीआर का क्लास अटेंड नहीं किया है, वीडियो अभी पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है कि एक, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पे वर्क करना है, बनाना बहादुरी नहीं है, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो सीपीआर कैसे अप्लाई करेंगे, आर्यन रेशियो कैसे अप्लाई करेंगे। देखिएगा, एक कार है जो 319 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय कर लेता है। एक कार है वो 319 किलोमीटर 29 घंटे में, ये नंबर जो दिया है ना, ये नंबर 319 और ये 29, ये एक सेटिंग है इसकी, ऐसा नंबर ये चूज करके देता है जिससे कटना आसान हो। सिर्फ करना क्या है, हमको देखना है कि क्या उस तरह से देख पा रहे हैं जो एग्जामिनर ये सोच के लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, अब कह रहा है तो कार 21 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, क्या कह रहा है, कार कवर 319 किलोमीटर डिस्टेंस इन 29 आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन, वही डिस्टेंस को 21 घंटे में, सॉरी वही स्पीड से, यहां पर स्पीड नहीं दिया है, यहां पे स्पीड कहीं नहीं दिया है, एक कार है 319 किलोमीटर 29 घंटे में जा रहा है,
तो वही कार 21 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो यहां पर रुक जाइए, यहां पर स्पीड नहीं दिया है, यहां पे स्पीड तो नहीं दिया है। जब नहीं देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पे स्पीड को आप कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। एक कार है वो 319 किलोमीटर जाता है 29 घंटे में, तो वही कार 21 घंटे में कितना जाएगी? यानी कि वही कार का मतलब सेम है, इसमें वही कार लिखा भी नहीं हुआ है, लेकिन तो कार का मतलब क्या? वही कार, यानी कि उसने स्पीड को कांस्टेंट किया है। आज जब स्पीड कांस्टेंट करता था हाँ बैठिए, स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। अभी जस्ट लिखे हैं तो उस केस में हम लोग को होता था कि d1 बाई d2 इज इक्वल टू t1 बाई t2। अब ये हम लिखेंगे नहीं, हम आपके लिए लिख रहे हैं, आपको ये नहीं लिखना है। अब देखिएगा, डिस्टेंस है हम लोग का 319, तो डिस्टेंस की जगह पर लिख देंगे 319, और d2 नहीं पता है तो d2 रहेगा। पहले वाले में टाइम है 29 घंटा और दूसरे वाले में टाइम है 21, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अभी यही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हमें आर्यन रेशियो लगाना है, आर्यन रेशियो। तो आर्यन रेशियो यहां दो तरह से, एक आप यहां से यहां लगा सकते हैं और यहां से यहां लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आर्यन रेशियो लगा सकते हैं आप यहां से यहां लगा सकते हैं और यहां से यहां लगा सकते हैं। आप इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, या फिर इधर से जा सकते हैं और इधर से आ सकते हैं। तो आपको ये चूज करना होगी कौन सा हम जाएं, समझ में आ रही बात, कि हम इधर से इधर मूव करें कि इधर से इधर मूव करें। तो ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिएगा कि 29 का 10 गुना कीजिए 290 और 29 जोड़ दीजिए 319 नहीं हो जाएगा? हम क्या कर रहे हैं, इस 29 का 10 गुना तो 290 और प्लस 29 319, तो उसी तरह 11 बार गुना किया है, किया ना, तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे तो 21 का 10 गुना 210 और प्लस का 21 है 231। अब इस चीज में क्या करना था आपको, ये कुछ भी नहीं लिखते, हमें पता चल गया था कि d1 d2 नीचे आएगा, फिर t1 और t2 नीचे आएगा, तो ये इसका देखें कि 11 गुना 29 गुना 10 290 और प्लस का 29 319। उसी तरह इसमें 10 गुना और प्लस 21 जोड़ देंगे तो 10 गुना करेंगे तो 210 और प्लस का 21 231 दिख गया। हाँ, सी और डी हट जाता। अब देखिए, अब दूसरा लॉजिक देखते हैं, हाँ वो भी पकड़ना है हम लोग को कि 29 घंटा में जाता था इतना, तो 21 घंटा में तो कम जाएगा किससे, 319 से, तो 319 से तो पहले तो 2 घट जाएगा। अब अगर टाइम नहीं है तो रिक्स ले सकते हैं, ठीक है, इस पे भी वर्क करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऊपर नीचे वाला यूनिट डिजिट कर सकते हैं। देखिए ना, हाँ हाँ, अमित कुछ बोल रहे हैं, रुक जाइए, लिख रहे हैं अमित। ये हम लोग का d2 था, अब क्या है, ये 29 और ये था 21। अमित ये बोल रहे हैं कहीं क्या किया ऐसे। हाँ देखिए, अब इस चीज पे वर्क करना है कि ये गाड़ी इस पर ले जाना खतरनाक हो सकता है, और है ये खतरनाक, ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे ना जाके कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा वे जाएंगे। ये ऐसे करना मुश्किल है, इस पर क्यों करेंगे आप, ये ऐसे एग्जामिनर सेट ही नहीं किया, आप जबरदस्ती कीजिएगा तो फिर दिक्कत आएगा, नहीं जाएगा ऐसे। अगर करेंगे तो इसमें फिर आपको इससे इसमें डिवाइड करके आप फिर इसमें उससे गुना करना होगा, बहुत टाइम ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आवाज मत कीजिए, देखिए एकदम आराम से चल रहे हम। देखिए क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज है वो एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितने घंटे में? पांच घंटे में तय कर लेता है। तो कह रहा है कि समान दूरी, समान दूरी, समान दूरी का मतलब वही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कर दिया कांस्टेंट, और डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो आरएन रेशियो हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। रुक जाइए, बोलिए मत, दिक्कत होगा। जब इसने डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो आरएन रेशियो जो हम लोग का तैयार होता था इनवर्सली होता था, यानी कि एस वन बाई का एस टू इक्वल्स टू उल्टा होगा टी टू बाई टी वन, नहीं होता था। अब यहां पे हम लोग का एस वन जो है 240 है, बोलिए मत, अक्षय आवाज मत कीजिए, दिक्कत होगा फिर हमको समझाने में। अब यहां पे ये नहीं पता हम लोग का दूसरा स्पीड, तो एक्स लिख देते हैं, जबकि ये लिखना नहीं है। आगे देखिए टी टू, तो टी टू अब गलती से ये मत लीजिए, टी वन है पहला वाला, दूसरा वाला टी टू है, तो ये हो जाएगा तीन और दो पांच बटा तीन, तो पांच और तीन चलाएगा नीचे, और T1 है फाइव, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइव, तो फाइव से फाइव कट जाएगा, क्रॉस कर लेंगे तो 720 और ये हो जाएगा वन, तो x तो 720 किलोमीटर पर आवर। हाँ एक बार और देखिएगा, ये चीज क्लियर है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आरएन रेशियो जो होगा वो होगा एस वन बाई एस टू इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन, तो एस वन है हम लोग का 240 और एस टू है हम लोग का, एस टू ही लिखते हैं, और यहाँ पे टी टू अब ऊपर लिखना है, तो टी टू ये वाला है 5/3, तो 5 और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, और T1 कितना है 5। अब एक देखिए शातिर लड़का होगा, नहीं ये ऊपर उसको पता चल गया था 5/5 लिखेगा ही नहीं, वो दोनों को ऐसे उड़ा देगा। अब ये 5 और 5 कट गया, अब क्या करेंगे, इसको इधर से क्रॉस कर लीजिए, समझ में आ रहा है, इसको इधर से क्रॉस कर लीजिए और इसको इधर से क्रॉस कर लीजिए, तो 240 का 3 गुना करेंगे 700। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि अरे इधर से क्यों नहीं इधर से, अरे जो हमको इजी लगेगा, जो आपको इजी लगेगा वही करना है, तो ये 700 कितना हो जाएगा 20 जो यहाँ पे है। अब देखिए एक चीज और हम बता रहे हैं कि हम लोग जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता था तो सीपीआर अप्लाई करते थे, तो इसमें भी करें, तो देखिएगा अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले टाइम लगता था उसको कितना 5 घंटा, अब लगने लगा 1/2/3, यही ना, एकदम आराम से सुनिएगा, पहले लगता था उसको 5 घंटा, अब लगता था 1/2/3 घंटा, सुन लीजिए। तो सीपीआर जब अप्लाई करते थे तो बढ़ना और घटना पर डिपेंड करता था कि कितना बढ़ा या कितना घटा, तो पहले तो एक क्लियर है कि ये घट रहा है, घट रहा है ना, क्या घट रहा है, टाइम घट रहा है, तो 5 है, ये है 1/2/3, तो कितना घट गया, तो ध्यान से देखिए, हम घटा के भी दिखा रहे हैं। हाँ नहीं रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये देखिए पहले तो ये 1 और इसमें से 1 निकाल लेंगे तो ये 4 होगा, अब 4 रुपया में से पहले तो 3 रुपया निकाल के इधर रख लीजिए, ठीक है, अब 1 रुपया यहां बचा हुआ है, 1 रुपया को 3 भाग में बांट के 2 भाग रख लेना है, छोड़ देना है, यानी कि 1 भाग रखना है ना, अरे 1/2/3 माइनस कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 आ गया, या आप पूरा इसको अच्छी तरह से अगर माइनस करना चाहता है बचपन वाला, तो ऐसे कीजिएगा 5/5/3 एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 और माइनस का 5 10/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लगे 3/1/3, लेकिन ऐसे नहीं करना है क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव तैयार हो रहे हैं, तो तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ पे सोचिएगा कि इसका 1 हटाएंगे तो ये बच जाएगा 4,
अचार में से तीन रख लीजिए, ठीक, तीन रख लिए। अब तीन रुपया में से ही दो रुपया रख रहा है, तो एक रुपया को तीन भाग में बांटना था, तो उसका दो भाग निकाल लेना है, तो एक भाग रख लिए, तो बच जाएगा थ्री, वन बाई थ्री। तो इसको हम लोग, हाँ एक बार और क्लियर कर रहे हैं, देखिएगा ये पांच रुपया है और ये है एक दो बटा तीन, यही ना है दो गो। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं अक्षय, अच्छा है कि इसका एक रुपया निकाल दिया, हाँ इसका भी एक रुपया निकाल दिया, तो चार रुपया बच गया। अब चार रुपया में से तीन रुपया और रख लिए इधर, अब एक रुपया बच गया, ठीक है। अब इसका हिसाब और इसका हम लोग का हिसाब किताब करना है, तो एक रुपया में से दो बटा तीन रुपया माइनस करना है, तो इस एक को लिख सकते हैं तीन बटा तीन, एक लिखे या तीन बटा तीन लिखे, बात तो बराबर है। अब बेस सेम हो गया, तो तीन में से दो माइनस कीजिए कितना आएगा एक, तो एक बटा तीन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे दस बटा तीन, होगा ध्यान से देखिएगा। अब टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, टाइम का, टाइम का, तो टाइम देखिए पांच से हो गया एक दो बटा तीन, तो कितना घटा, तो दस बटा तीन घटा, दस बटा तीन घटा, कितने पे, पांच पे, पांच पे, बेस उसका इनिशियल कौन ले रहे हैं, हम पांच ले रहे हैं, तो इनटू का पांच। इससे ये कितना कम, देखिए सीपीआर है, अप्लाई करना हम लोग सीख रहे हैं अभी अभी, बहुत सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाएंगे और सब चैप्टर में अब शुरू होगा हम लोग का। तो यहां देखिए पांच था, हो गया एक दो बटा तीन, तो कम हम कितना किए इसमें, तो यही कम किए थे ना, दस बटा तीन, कितने पे, पांच से, पांच से कम किए थे, यानी कि ये काट देंगे हम लोग, तो दो बटा, दो बटा तीन से हम लोग का टाइम कम हुआ, तो स्पीड जो है दो बटा तीन से तो कम हुआ, तो बढ़ेगा कितने से, दो बटा एक से, दो बटा एक से ना, हाँ ये देखिए यहां पे लिख रहे हैं, ये होता था हम लोग का x बाई वाई, और ये होता था x बाई x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है दो, और x प्लस वाई की वैल्यू है तीन, तो यहां से x की वैल्यू दो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वन, तो यहां x की दो और y का वन रख दिए, क्लियर यहां तक। ये सीपीआर अप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी आपको आरएन रेशियो फास्ट बनाएगा, कभी कभी आपका सीपीआर फास्ट बनाएगा, कभी जनरल मेथड भी फास्ट बनाएगा, दिखा रहे हैं, सब दिखाएंगे, यहां तक ठीक है। अब स्पीड कह रहा है कि दो बटा एक, दो बटा एक का मतलब दो गुना से बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, तो नीचे वन से कोई मतलब नहीं है, तो स्पीड दो गुना बढ़ रहा है, तो पहले था 240, 240 का दो गुना बढ़ाइए 480, 480 स्पीड बढ़ा, और था कितना 200, तो हो जाएगा 720। अब ये उसको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग अगर पूरे तरह से तैयार रहे हैं, हाँ आपको लगेगा वही वाला ठीक था, लेकिन ये दिमाग में से हटा दीजिए, अगर अभी तैयारी कर रहे हैं आप, तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये दिमाग में से हटा दीजिए कि वो इजी था, हमको ये इजी था, जब एग्जामिनर सेट करेगा, अगर इस पे सेट किया तो आपको बनने नहीं देगा, अभी दिखाएंगे हम। पहला देखिए, पांच से हुआ एक बटा एक दो बटा तीन, तो हमें पता चल गया कि तीन एक बटा तीन से वो कम हुआ है, यानी कि दस बटा तीन से कम हुआ है, दस बटा तीन से कम हुआ किस पे, पांच पे, तो दस बाई तीन, नीचे पांच है, तो पांच दूना दस, दो बटा तीन से कम हुआ, तो दो बटा एक से बढ़ेगा, यानी कि स्पीड दो गुना हुआ, तो दो गुना स्पीड कीजिए इसका 400, और 240 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 720, क्लियर है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं इसी टाइप का, देखिएगा एक है घोड़ा, घोड़ा एक घोड़ा है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, दौड़ रहा है, हाँ 30 के स्पीड से दौड़ रहा है, वह अपनी दूरी को दो घंटे में तय कर लेता है, एकदम देखिए एकदम इजी है, इसको जनरल जो बुक में बनाया हो उससे भी बनाइए तो मजेदार ही है, कोई टाइम नहीं लेना है,
एकदम दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस पे हम लोग क्या करेंगे, आर्यन रेशियो और सीपीआर अप्लाई करना सीखेंगे। तो देखिए 30 के स्पीड से जा रहा है और अपनी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। यदि वह इसी दूरी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो अब आर्यन रेशियो भी लगा सकते हैं, सीपीआर भी हम लगा सकते हैं। पहले आर्यन रेशियो पर गेम खेलेंगे हम लोग। हाँ रुक जाइए, तो वह इसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहता है, तो उसे किस स्पीड से दौड़ना चाहिए। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो आर्यन रेशियो हमें पता है कि S1/S2=T2/T1 होता है। अब ये लिखेंगे नहीं, हम ये सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं सौरभ, ध्यान से देखिएगा। तो S1 है हम लोग का कितना, 30, आपके लिए नहीं सबके लिए लिख रहे हैं। और S2 हमें पता नहीं, तो S2 की जगह पे हम लोग S2 ही लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखना है, ये बार बार समझाना है आपको। अगर कोई लिख के समझा रहा है तो समझिएगा बेवकूफ बना रहा है, ये बार बार बोल रहे हैं। कंपटीशन अब बहुत फास्ट हो गया है, अगर हॉल में बैठेंगे ना तब पता चलेगा। नहीं एग्जाम देखिए, अभी तो हम लोग बैठ जाए ना तो उतना एहसास हमको नहीं लगता है, लेकिन जब आपकी लास्ट स्टेज आएगा एकदम रिजल्ट देने के कगार पे, और उस समय एग्जाम हॉल में बैठे ना, अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करे तो अंदर से रुलाई आएगा। अभी हो सकता है आपको आनंद आ रहा है, लेकिन जो तैयारी कर रहा है प्रॉपर उसके लिए, जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं, मजा ही मजा है, लेकिन बाद में उस सजा भोगेगा। हाँ सौरभ आपके लिए है। हाँ तो S1 हो गया 30, S2 हमें पता नहीं, अब T2 ध्यान रखना है, ये है गलती से ये मत लिख लीजिएगा, तो ये है 3/2 I/2, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए RNSO लगा रहे हैं यहाँ पे, यहां से ये कितना गुना, तो ये 4×10 40 किलोमीटर पर। अब इसको RNSO अगर बनाते तो हम मुरली देखिए कैसे बनाते हैं, हमें पता था कि 30/S2 होगा और फिर होगा 3, पहले ये T2 ना, तो 3/2 और 2 एक और आएगा, तो 3/2 और 3 का दिखेगा ये 10 गुना, तो 4×40 3×10 = 30, तो 4×10 = 40, तो यहां मार के लिख लेंगे। अब देखिए इस पर सीपीआर अप्लाई करें, सीपीआर तो अप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो देखिए यहां पे टाइम है, टाइम घटाया है ना, टाइम को इधर लिख रहे हैं, एक मिनट, घटने वाला इधर लिखते थे, बढ़ने वाला इधर लिखते थे। तो देखिए पहले टाइम था 2 घंटा, अब हो गया 1.5 घंटा, कितना टाइम घटाया, आधा, यानी कि 1/2 घटाया, कितने पे, 2 पे, ये हमेशा बेस लेना है, तो 2 नीचे लिख दिया, यानी कि 1/4 से वो कम किया, ये कम कहां से लिख रहे हैं, 2 से 1.5 किया तो कम ना किया, तो 1/4 से कम हुआ तो 1/3 से। अब जिसको ये नहीं समझ में आए तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है, 1/3 से क्या होगा, स्पीड, स्पीड था कितना, तो 30 का 1/3 कितना होगा, 10, 30 का 1/3 तो 10 ही होगा ना, यानी कि स्पीड अब 10 बढ़ेगा, पहले था 30 और 10 बढ़ गया 40। हाँ हाँ कौन पढ़, इसमें किसके बराबर आप कर रहे हैं, हाँ तो 3 30 के बराबर हो, तो 1 10 के बराबर, तो ये बढ़ा हुआ 10 है ना, तो 30 10 40, हाँ 10 और हो गया, ये बढ़ा हुआ है, तो 30 10 40, कोई नहीं। देखिए इसको स्पीड कैसे हम लोग सीपीआर से फास्ट बनाते हैं, ये प्रैक्टिस करना है, घर पे जाके कीजिएगा आप भी, हम रिवाइज करा रहे हैं। 2 से हुआ 1.5 यानी कि आधा कम हुआ, कितने पे, 2 पे, तो 1/4 से कम हुआ, 1/3 से बढ़ेगा, बढ़ेगा, और 30 का 1/3 कितना हुआ, 10, यानी कि 10 बढ़ जाएगा, 30 10 40, आ रहा है समझ में। देखिए दोनों अप्लाई कर, अब देखिए बुक वाला भी बताते हैं, बुक वाला भी इजी लगेगा, इसको इसको इनटू कीजिएगा तो डिस्टेंस मिल गया 60, और 60 में आप 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है,
तो ये आ जाए कितना, 20 दुना 40, ऐसे भी आएगा। तो आपको अब लग रहा है उनको कह रहे यही तो मज़ेदार है, लेकिन ये खतरनाक है। जब अच्छा क्वेश्चन तैयार करेगा तो इससे बनने नहीं देगा। हाँ, नहीं अब है क्या ना कि आपको CPR अप्लाई करने आ रहा है, RNSU अप्लाई करने आ रहा है, जनरल मेथड आता है, तभी तो आप अप्लाई करेंगे। देखिए एकदम आराम से देखिएगा, अब ये नहीं कि छटपटा के बना के आंसर बोलिएगा, रुकिए रुकिए, बनाने का मौका देंगे। क्या कह रहे हैं कि एक कार है वो निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करता है। एक कार है, एक निश्चित दूरी है, उसको 4.5 घंटे में वो कवर कर लेता है। यदि चाल 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया है, ध्यान दीजिएगा, है नहीं, जो पहले स्पीड उसका होगा ना कार का, जो 4.5 घंटे में तय कर रहा है, और अब क्या कर रहे दूसरी बार कि वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है, तो इस दूरी को 0.5 घंटे कम समय में तय करता है, 0.5 घंटे में। अब यहां RNSU लगाइए आप, जनरल मेथड लगा के दिखा दीजिए आप, रुक जाइए, हाँ CPR तो लगेगा, जनरल मेथड बनाइए इसको, या फिर आप यहां पे RNSU तैयार कीजिए, परेशान कर देगा आपको। यहां पे तो ठीक है, T1 दिख रहा है, ये T2 नहीं है, ये कम लिखा हुआ है, कम है, और ना ये हम लोग का S1 है, ना S2 है, है? एक कम हो रहा है। हाँ रुक जाइए रुक जाइए, क्या कह रहा है कि एक कार है वो एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में टेकअप कर लेता है, पूरा कर लेता है जहां जाना है। अब क्या है कि अगली बार वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा, तो कह रहा है कि अब 0.5 घंटा कम लग रहा है। तो बताना है तो कार की धीमी चाल मतलब स्लो स्पीड का मतलब पहले वाला ना, ये तो 5 बढ़ा देंगे तो बढ़ा हुआ हो जाएगा, स्लो वाला बताना है। तो ध्यान से देखिए, हम CPR अप्लाई होगा ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है, इसी दूरी को पहले वाले दूरी को, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो CPR लगेगा। तो CPR में यहां पे टाइम है ना, तो ये देखिए कम करके ही बताया हम लोग, कम बाकी क्वेश्चन में माइनस करते थे। आ रहा समझ में गुड्डू, ये वाला हम लोग इसमें से इसको माइनस करते, लेकिन इस बार ये माइनस करके ही दिया है, क्योंकि कम बोला है तो क्या माइनस किया है, तो 1/2 कम हुआ, कितने पे, 4.5 पे, 4.5 का मतलब 9/2, तो यहां 9 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 से 2, यानी कि टाइम को 1/9 से घटा दिया, तो स्पीड को 1/8 से, स्पीड यहां पर नहीं दिया है ना। अब ध्यान से देखिए, अभी अच्छा आएगा और बढ़िया समझ में आपको, देखिए यही पूछ रहे थे, ये है घटा हुआ या बढ़ा हुआ, हाँ ये बढ़ा या घटा हुआ है, तो 1 है हम लोग के 5 के बराबर, तो 8 किसके बराबर होगा, 40। अब पूछता है कि बढ़ा हुआ क्या था, स्पीड तेज, तो 5 जोड़ देते 45, धीमी चाल 40 हो गया और बढ़ा हुआ चाल हो जाएगा 45। देखिए एक बार ओरली बनाते हैं हम लोग। अब देखिए जिस स्पीड में हम बोल रहे हैं, मेरे बोलने की स्पीड आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहा है तो आएगा, ये वेट कीजिए आएगा, घर पे जाके वीडियो को देखिए 2 बार, एकदम आएगा, और ये दिमाग को समझा देगी, जब तक हम नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, बढ़े तो आगे तो और खतरनाक क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे टाइम पहले 4.5 घंटा लगता था, अब कह रहे कि 0.5 घंटा लग रहा है, कम कह दिया तो और बढ़िया हो गया, मेरा एक स्टेप बचा दिया, लेकिन ये RNSU और जनरल मेथड से स्टेप बढ़ा देता, नहीं बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, लेकिन हम लोग को और इजी कर दिया कि इतना कम किया कितने पे, तो 1/2 और नीचे होगा 9 और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/9 से घटा, 1/8 से बढ़ेगा, 1 है 5 के बराबर, 8 है 40 के बराबर, इस तरह से वर्क करना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब
किसी को अगर आपत्ति आ रहा है लिखने में तो लिखा हुआ है वहाँ, घर पे जाके पुनः देखिए उसको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन था वो भी समझ में आएगा, वेट कीजिए, क्योंकि कुछ क्या बात होता है ना, ये स्टार्टिंग वाला स्टेज नहीं समझ में आता, यहाँ पर मिलेगा फिर यहाँ पर मिले, तब आप बैक आके देखिए उसको, दिखेगा, ध्यान से देखिए। आपको बता दें कि किसी भी चीज पे वर्क कीजिएगा ना, जैसे एक कोई थे, अब नाम उनका हमको याद नहीं आ रहा है, उनको कुल्हाड़ी दिया गया, हाँ कुल्हाड़ी, ठीक ना, हाँ, तो उनको एक पेड़ दिया गया काटने के लिए, नहीं नहीं रुकिए ना, सुनिए ना, ना 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 हम वो नहीं बोल रहे ना, सुन लीजिए, हाँ आ जाएगा रुकिए, तो उनको कुल्हाड़ी दिया गया और उनसे बोला गया कि तुमको इस पेड़ को काटना है, ठीक है, तो इसको कितने बार में तुम काटोगे, ठीक है, तो वो कहता क्या है, मतलब टाइम लोगे इसको काटने में, तो कह रहा है कि हम काटने से बजाय, उसको मारने के बजाय हम उसकी धार को इतना तेज करेंगे एक ही बार में उतार देंगे। तो आपको यहां पर भी वही करना है कि एक बार में उसको आंसर देना है, और एग्जाम का ये फंडा है, अगर नहीं दिए एक बार में तो फिर गए आप, उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आधा नंबर से हम तो फेल कर गए, सुबह एक बैच में आया उसका कुछ नंबर से छूटा हुआ है, ये कांस्टेबल वगैरह, तो आधा नंबर से छूटे चाहे एक नंबर से चाहे 50 नंबर, बात तो बराबर है। अगर आपको लग रहा है कि ना पकड़ लेंगे तो ठीक है पकड़ लेंगे जिस दिन आप सही हो गए, लेकिन तभी तक तो फेल ही है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, हाँ बोलिए, हाँ बात बराबर है, खूब ये एग्जाम्पल समझते हैं, ये पक्का गांव के चौराहे पर बैठते होंगे, पूरा आइडिया बुजुर्ग लोग का लेते रहते होंगे, नहीं मेरे गांव के भी थे वो बुजुर्ग, वो कोना पर बैठ जाएंगे, जो तेज लड़का नहीं होता है गांव का, नहीं नहीं नहीं, अब अकबर का जन्म कब हुआ बताओ, था कौन क्लास में पढ़ते हो, तो बाबर का बेटा कौन था, मतलब ऐसा पूछ पूछ के वो 5 क्वेश्चन रखते थे तैयार। एक वो क्वेश्चन ये है जो आपसे भी हम पूछे थे एक दिन क्लास में, कि 403 में 4 से भागा दो, और यहाँ भी बताओ और यहाँ भी बताओ, ये हीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, गांव के चौराहा वाला, ये सब भी फिर होता है, हाँ 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 बूझ बुझाते थे। चलिए देखिए, एक बस है वो 6 घंटे में अपनी यात्रा तय कर लेता है, ठीक है ठीक है, और वो 60 किलोमीटर के स्पीड से चलता था, बस है ना बस। अब कह रहे कि किस चाल से बस को यात्रा करनी चाहिए ताकि उसकी यात्रा 9 घंटे, उसी यात्रा को, ठीक है उसी यात्रा को, तब देखिए 60 के स्पीड से 6 घंटा में कंप्लीट कर लेता था, तो अब हमको 9 घंटा में कंप्लीट करवाना है, तो अब मजे से जाएंगे ना, टाइम ज्यादा नहीं मिले, पहले 6 घंटा में हम जाते थे घर 60 के स्पीड से, अब 9 घंटा हमको घर ही जाने में मिला, तब तो धीरे धीरे बातों का सुनू के यहाँ चल जाएंगे थोड़ा देर के लिए, नहीं चल जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है, हाँ अच्छा रोक जाइए, हाँ रोक जाइए, नहीं रोक जाइए, अब क्या है कि ये पता चल गया कि मेरी स्पीड जो होगी वो 60 से, तो ऐसे बैंक के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम एक ही बार बन जाता है वो, ठीक है, तो यहाँ पे 60 से कम होगा तो 60 से ये 60 नहीं होगा, ठीक है, और देखिए और दूसरा कंसेप्ट दे रहे हैं, चलती है तो वही तो बोल रहे हैं, तो स्पीड और कम ना होगा, 60 से स्पीड कम होगा, ओरिजिनल है, हाँ ठीक है, नहीं वो 60 के स्पीड से जाता था तो 6 घंटे में अपने घर पहुंच गया, अब हम आपको आपके घर पहुंचने के लिए 9 घंटे, तो जाहिर सी बात है हम मजे में जाएंगे, कम स्पीड में भी जाएंगे, तो 60 से स्पीड मेरा कम भी रहेगा तो चलेगा, तो एक ऑप्शन तो हट गया,
दूसरा कंसेप्ट दे रहे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, टाइम नहीं रहने पर करेंगे। अगर ये 9 घंटे के बजाय 12 घंटे दे देता तो देखिए 6 घंटे में 30-60 के स्पीड से जाए, तो अब 12 घंटे मिले तो 30 घंटे 30 के स्पीड से जाएंगे, नहीं डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो उल्टा होता है ना, तो ये इसका 2 गुना हुआ तो ये इसका आधा हुआ, तो ये एक देखिए 30 दिया हुआ, ये तो तब होता जब 12 होता, तो ये भी 2 ऑप्शन क्या हो गया, नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं देख लेते हैं। ये देखिए ये सब सीखना पड़ेगा, जब अच्छा क्वेश्चन तैयार करेगा ना तो इससे भी कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट होता है। अब ध्यान से देखिए, उसने पहले 6 घंटे में जाता था, अब 9 घंटे में गया, अपनी टाइम को कितना बढ़ा दिया, 3, कितने पे, 6 पे, पहले तो 6 ही था ना, 3 बढ़ाया, 6 से 9 किया तो 3 बढ़ाया कितने पे, 6 पे, तो 1/2 से हम लोग का बढ़ गया, तो स्पीड होगा 1/3 से घटेगा। अब यहाँ पे ये 60 किलोमीटर के स्पीड से है, तो 60 का 1/3 कितना होता है, 20, तो 20 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40। अब एक लड़का को यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, अच्छा कभी कभी इसके बराबर ये कर दे रहे हैं, कभी कभी इसके बराबर कर दे रहे हैं, कभी डिवाइड कर दे रहे हैं, देखिए कोई नहीं है, गेम है वही चीज, देखिए यहाँ पे 3 है 60 के बराबर, वैसे भी लीजिएगा तो आएगा, तो 1 होगा कितने के बराबर, 20 के बराबर, आ ये कमी है यानी कि 20 की कमी करना है हमें, तो 60 में 20 की कमी कीजिएगा तो 40। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे था, देखिए कितना फास्ट बनता, कि 6 से 9 3 बढ़ाया कितने पर, 6 पे, तो 1/2 से बढ़ाया, 1/3 से घटाया, 60 का 1/3 20, 60 माइनस 20 40, क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, वही क्वेश्चन है जो 12 नंबर है ना, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट है इसमें। हाँ देखिए इसको, इसको समझिएगा, समझिएगा इसलिए कि 12 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें आपको कुछ मदद मिलेगा और आगे अभी मदद मिलने वाला है, ये भी एक कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा, देखिएगा ना हम बता रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। कह रहा है कि 2 ट्रेन है, एक ही समय जयपुर से दिल्ली से एक दूसरे जयपुर तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर रवाना होती है, कहना है मान लीजिए कि ये जयपुर हो गया और ये दिल्ली हो गया, नहीं एक ही जगह से नहीं, 2 ट्रेन एक ही समय जयपुर तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर खुली, एक खुली जयपुर से और एक खुली, लेकिन दोनों एक ही समय 10 बजे खुला हुआ, तो सर अब ध्यान से देखिएगा, हम पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं, हम जयपुर में बैठे ट्रेन में, आप दिल्ली बैठे ट्रेन में, दोनों आदमी एक ही समय बैठे और बीच में कोई स्टेशन था, ठीक है यहाँ पे कोई स्टेशन है मान लीजिए आर, सुनिए ध्यान से हम आपसे पूछ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बोलेगा,
जयपुर से चले कौन? हम। आप चले दिल्ली से, और दोनों आदमी एक ही साथ चले थे और यहाँ आर पॉइंट पर मिल गए, ठीक है। तो हमको अगर यहाँ से यहाँ 4 घंटा लगा हो तो आपको कितना लगा होगा? 4 ही घंटा ना। ये क्लियर होना चाहिए सबको। जैसे मान लीजिए कि 10 बजे हम भी चले और 10 बजे ये भी चले, आर बिंदु पे हम मान लीजिए कि 12 बजे मिले, तो ये 2 घंटा चला तो हम भी 2 घंटा चलेंगे। नहीं, जैसे कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए खगौल स्टेशन है और एक यहाँ सगुना मोड़ है, आप भी 10 बजे सोनू खगौल स्टेशन से चले और हम भी सगुना मोड़ से 10 ही बजे चले। गाड़ी खाना देख रहे हैं ना? नहीं, जो देख रहा है मान लीजिए कि एकदम खगौल के पास ही है, हाँ DRM ऑफिस, वहीं पर मिले तो एक लड़का को क्या लगता है कि अरे इतना दूर चल के इसको टाइम ज़्यादा लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड ज़्यादा होगा आपका, दोनों सेम लगना है। जैसे हम बोल दें यहाँ से यहाँ है, देखिए ये दिल्ली है, ये जयपुर है, आ यहाँ पे ये भी 10 बजे चला है, आ ये भी 10 बजे चला है, आप 12 बजे यहाँ पे मिल जाए ना, तो अगर इसको 2 घंटा लगता है तो ध्यान रखना इसको भी 2 घंटा लग रहेगा। स्पीड खाली अलग अलग है, उसका टाइम भी अलग अलग होगा, सॉरी टाइम बोल रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग होगा, स्पीड तो सॉरी टाइम तो वही होना है क्योंकि मिला है दोनों। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेन है एक ही समय, इस पे वर्क करना है, एक ही समय जयपुर तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर यानी कि मिलने के लिए, एक चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरा चल रहा है 95 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। है एक ही समय में कैसे पहुंचेगा? अच्छा पहुंचाते हैं, देखिए 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 ना, रुकिए, पहुंचना नहीं मिलना है बात, रोकिए रोकिए ना, इनको बड़ा कंफ्यूजन है, रोकिए, इनको दर्द को दूर करने दीजिए, ये रिलैक्स फील करेंगे, नहीं तो टेंशन में रहते हैं, हम बता देते हैं इनको, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में तो टेंशन होते हैं। देखिएगा ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ठीक है, हम यहाँ से चले आप उधर से चल रहे, तो हम यहाँ पे आए और आप भी यहाँ पे आए और आर पॉइंट पे हम लोग मिले। हम चले थे यहाँ से 10 बजे, आप भी यहाँ से एक ही समय उसी समय 10 बजे चले, आ यहाँ पे हम लोग 11 बजे मिल गए, 11:30 में मान लीजिए, 11:30 में, तो बताइए कि हम कौन घंटे चले होंगे? नहीं वही बोलेंगे, अरे हम बोल रहे हैं, कंडीशन सुन लीजिए, जरूरी नहीं है, कंडीशन सुनिए कि 10 बजे हम भी चले, इधर से 10 बजे आप भी चले और आर पॉइंट पर दोनों आदमी मिल गए, ऐसे मान लीजिए मिल गए, अचानक मिल गए, तो हम अगर 2-1.5 घंटा चले तो आप 5 घंटा चल जाइए क्या? नहीं क्लियर हो रहा है? इधर ही हाँ, प्रैक्टिकल इनको दिखाएंगे, वहां दीवार पर सटिए, वहां दीवार पर है, हाँ ठीक है, आपको वहां आना है, हमें दोनों आदमी को एक साथ चलना है, अरे यार तो वो बोला है कंडीशन, हम बोल रहे हैं ना तेज नहीं, अब आप वहाँ हम यहाँ है, दोनों आदमी चला, आप धीरे धीरे चल के वहाँ पहुंचेगा, हम पहुंच रहे हैं और दोनों आदमी एक साथ चलेंगे तो हम चले, आप भी चले उधर से यहाँ पे मिले हम लोग, तो जब हम चले थे उसी समय आप भी चले थे, मान लीजिए कि हम 10 बजे चले आप भी 10 बजे, हम यहाँ 11 बजे मिले हम लोग, तो आप कितना देर चले? स्पीड पे डिपेंड करेगा ना, स्पीड पे डिपेंड, अरे तो स्पीड तो अलग अलग है ही, अभी तो कहाँ वहाँ पहुँचे थे, चलिए बैठिए बताते हैं, चलिए देखिए अब क्लियर हो जाएगा उनको। देखिए ये हो गया जयपुर और ये हो गया दिल्ली, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये जयपुर से दिल्ली हो गया, जयपुर वाला जो चल रहा है वो 80 के स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इधर वाला जो चल रहा है ये और तेज है 95 किलोमीटर, नहीं ये दिक्कत है, इसलिए दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत इसलिए हो रहा है कि क्या बोलते हैं,
इस तरह से कभी वर्क ही नहीं किए घर पे, हम तो खाली वही फॉर्मूला पुटिंग वाला मशीन में डालिए और रिजल्ट लीजिए उसका, गेहूं डालिए और आटा लेके चल जाइए। वो कैसे वर्क किया है उसके अंदर क्या क्या होता है, कभी वर्क ही नहीं किए तो दिमाग तो जाएगा नहीं वहाँ, तो हम लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए हम यहाँ से 80 के स्पीड से चले, आप चले इधर से 95 के स्पीड से, और दोनों आदमी एक ही साथ चले हैं, ठीक है, एक साथ चले हैं, तो ये बताइए कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलाइएगा बोल दीजिए, यहाँ मिला दे, यहाँ मिला दे, कहाँ, रोक जाइए कहीं नहीं, रोक जाइए, इको पार्क सब जगह मिलेंगे, सुनिएगा ध्यान से सुन रहे हैं, ये कहीं पे मिलाइएगा, कहाँ, बीच में मिला दें, रोकिए ना बीच में मिलाएंगे, ये बीच में मिलाइएगा तो ये कभी मिलेगा ही नहीं। अब बताते हैं क्यों, हाँ रोक नहीं, उनका क्लियर तो करना है, बीच में मिलाइएगा तो मान लीजिए कि ये 2 घंटा चला होगा तो ये 4 घंटा तो नहीं चलेगा, ये भी 2 ही घंटा चलेगा, तो ये 2 घंटा में 180 चला जाए, सॉरी 160 चला जाएगा, आ ये 2 घंटे में 190 चला जाएगा, तो ये कभी बीच में मिलेगा, हाँ या नहीं, ये जब भी होगा दोनों को अगर सेम समय चलाया जाए तो ये ज्यादा दूरी कवर करेगा। चलिए ये भी हम बता देते हैं, अब थोड़ा बहुत समझ में आया इनको, देखिए अच्छा है, बात मत कीजिए, तो ये क्लियर हो गया कि ये अगर दोनों सेम चला होगा तो मान लीजिए कि यहां पे आके मिला आर पॉइंट पे मिला, तो जितना देर ये चला होगा उतना ही दूर ये भी चला होगा, ये 80 के स्पीड से चला है और ये 95 के स्पीड से, अगर दोनों को 1 घंटा चलाएं तो ये वाला इससे 15 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगा, हाँ या ना, अगर 2 घंटा चलाए तो 2 घंटे में 160 जाएगा, आई 2 घंटा में 190 जाएगा, तो 2 घंटे में कितना ज्यादा चल जाएगा, जाएगा ना। चलिए अब आते हैं, 180 किलोमीटर ज्यादा, तो रिलेटिव स्पीड 15 हो जाएगा, हाँ रिलेटिव स्पीड 15 हो जाएगा, रोक जी, रिलेटिव स्पीड नहीं लग रहा, 2 ट्रेन है एक ही समय जयपुर से दिल्ली के से एक दूसरे की ओर, यानी कि एक किधर से तो एक उधर से, एक चल रहा है 80 के स्पीड से और एक चल रहा है 95 के स्पीड से, जब दोनों ट्रेन मिलती है तो एक ट्रेन 180 किलोमीटर दूसरे से ज्यादा चल लेती है, दोनों ट्रेन जब मिलती है तो, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा चला होगा, कितना, 180, ठीक है, तो हम लोग से पूछ रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, आप कंसेप्ट लगा रहे हैं हम, अगर ये दोनों एक एक घंटा चले, ये दोनों एक एक घंटा चले तो ये वाली ट्रेन 15 किलोमीटर ज्यादा चलेगा 15 किलोमीटर, लेकिन दोनों मिलके 175 किलोमीटर जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों को अगर एक एक घंटा चलाया जाए तो ये वाली ट्रेन या बस जो भी हो ये इससे 15 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, लेकिन दोनों एक घंटा में कितना जाएगा, 100, इस दोनों को जोड़ दिए, एक घंटा में 95, एक घंटा में 80, तो 175 लिख दें, लेकिन ये अंतर दिया है ना, ये तो इतना ज्यादा चला, तो ज्यादा चला कितना है, देखिए यहां से 180 ज्यादा चला है, तो बताना है कि ये दोनों मिलकर कितना चला होगा, तो ध्यान से देखिए, ये इसका 12 गुना आर एन रेशियो, तो इसका भी 12 गुना, तो इसका 10 गुना कीजिएगा, 12 से गुना करना है ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इंटू करना सिखा रहे हैं, ये इसका कितना गुना है, 12 गुना, तो ये भी इसका 12 गुना होगा, तो 12 से इसमें इंटू करेंगे अमित, तो पहले इसको 10 से इंटू करेंगे तो 1750, दो छोड़ के आए हैं, 175 का 2 गुना 350 और जोड़ दीजिए 2100, बोलिए अभी भी नहीं क्लियर हुआ, अब देखिए इसको ओरली कैसे बनाते हैं हम, अगर कंसेप्ट तैयार हो गया तो, दो ट्रेन है एक दूसरे की ओर, एक दिल्ली से एक जयपुर से, एक ही समय पर रवाना होती है, एक ट्रेन की स्पीड है 80, एक की है 95,
दोनों की बीच एक दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक है, यानी कि जाहिर से है कि जो उधर से चला है 95 वाला ज़्यादा चला होगा, किससे, पहले वाले से 80 वाले से, तो एक घंटे में कितना ज़्यादा चला, कब, जब दोनों मिल के 175 चला, तो 15 डिफरेंस हो रहा है, तो 175 दोनों और 180, तो 15 का 180 है। ये हम आपको कहाँ बताए थे, याद दिलाते हैं, जब फैक्टर थ्योरम पढ़ाए थे ना, वहाँ पर हम 180 का किए थे, पेयर बनाए थे, जाके देखिए अगर कॉपी पे या हम लोग का वीडियो अगर बना है उसमें देखिएगा, तो 15 और 12 180 हम किए थे, याद आ रहा है, 180 का हम लोग किए थे, 1 × 180, फिर किए थे 2 × 90, फिर किए थे 3 × 60, फिर किए थे 4 × 45, फिर किए थे 5 × 36, फिर किए थे 6 × 30, फिर किए थे 9 × 20, फिर किए थे 10 × 180 और फिर 12 × 15, अब नहीं हुआ था, ये लास्ट था। तो अगर जो लड़का वहाँ पे ध्यान से देख रहा होगा, इसको तो याद हो गया होगा ना, आज जो नहीं है अब उसको क्या है, एक बार टाइम लगेगा। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको हर स्टेज पे वर्क करना होगा। ये चीज़ जब हम लोग जाएंगे DI में तो वहाँ पर भी वर्क करना है हम लोगों को, ठीक है। चार्ट बनता है ना 360 का एक, हाँ, तो ध्यान से देखिए, दोनों को एक एक घंटा चलाया जाए, अच्छा है, तो दूसरी वाली ट्रेन जो है 15 किलोमीटर, कब, जब दोनों मिलके 100, तो 15 चलता है डिफरेंस, तो 175 दोनों मिलकर, तो दोनों का डिफरेंस है, तो 15 का 180 है 12 गुना, तो 175 का 12 गुना, तो 10 से इंटू किए तो 1750, आप फिर 2 छूटा था तो 175 का डबल 300, तो 1750 और 350। अब एक लड़का ऐसे लिख के अगर करेगा तो टाइम लगना ही लगना है, सब पे वर्क मत कीजिएगा, हाँ 50 50 100 मन में ही करेंगे, है दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अब और मजेदार आएगा, जो लोग यहाँ पे जनरल मेथड गए तो परेशान कर देगा, RNSU गए परेशान कर देगा, देखिए कितना इजी बना दिया। जेम्स जो है 60 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी 40 मिनट में, अब तो देखिए यहाँ अगर जनरल गया ना तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, फिर मीटर पर सेकंड में, यहाँ मिनट में और फंसाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 40 मिनट में तय कर लेता है, 60 के स्पीड से चला तो अपनी दूरी 40 मिनट में कवर कर लेता है। तो कह रहा है तो लिए गए समय को 25% कम करने पर उसकी चाल क्या होगी, समय को 25% कम किया है ना, यानी कि समय को 1/4 से कम किया है, टाइम को 1/4 से, तो स्पीड को 1/3 से क्या कर देगा, तो 60 का 1/3 कितना होता है 20, 60 है 20। अब देखिए एक बात और बता दे, बहुत लड़के ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे इसको छोड़ो हम जनरल मेथड से बना लेंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है अगर छोड़ दिए तो, समझ में आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। टेस्ट भी होगा फिर से, इस बार होगा LCM, एवरेज, CPR और जहाँ तक स्पीड डिस्टेंस टाइम हो जाए, ठीक है। पिछला बार LCM और एवरेज था, इस बार किसका किसका होगा सर बताए, तो LCM हो गया, LCM SCF, एवरेज हो गया, CPR हो गया और ये TDS हो जाए, आपके अनुसार नहीं ना चलेंगे। चलिए देखिए 25% क्या किया है कम, टाइम यहाँ लिखा है कम, ध्यान से दिख रहा है, समय को 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो टाइम को 1/4 से कम किया तो स्पीड 1/3 से, और 1/3 स्पीड इसका निकालेंगे तो कितना 20, 60 है 20 80। अब जनरल जो है थी पहले तो परसेंटेज में फंसेगा, जाए ना नहीं फंसेगा,
देखिए ये आपके लिए है, बोलिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, बोलिएगा खाली। बोलिए बोलिए जल्दी, टाइम ले रहे हैं। अरे बोलिए तो जल्दी, कर क्या रहे हैं। हाँ आ गया आंसर। अब ये सोचना हमें है कि इसमें से कुछ लड़के आंसर कर दिए, अगर मेरा आंसर नहीं हुआ तो दिक्कत तो है, इसको सुधारना ही होगा। कोई सोचा है कि ना आता तो है ना हमको बनाने, उसका कोई कंपटीशन में मीनिंग ही नहीं है। इसलिए एकदम एक्टिव होइए, हर चीज को समझिए, वीडियो को घर पे जाके बार बार देखिए कैसे नहीं आता हमें समझ में, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक कार है जो 50 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक दूरी को 2.5 घंटे में तय कर लेता है। कहीं भी जाना है और वो 50 के स्पीड से चला तो 2.5 घंटे में चला गया जहां पर जाना था उसको। फिर कह रहा है कि वो अपनी 20% तेज कर देता है, क्या चाल छूटा हुआ क्या, इफ ही ट्रेवल्स 20% फास्ट। फास्ट का मतलब स्पीड, स्पीड स्पीड कर देता है तेज। तो अब देखिए पहले 50 के स्पीड से 2.5 घंटे में जाता है, अब कह रहा है कि 25% वो स्पीड बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा, उसी डिस्टेंस को कम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ से सोनू घर आप 50 के स्पीड से जाते हैं 2.5 घंटे में, हम 50 के बजाय आपका स्पीड 60 करवा दें तो जल्दी पहुंच जाइएगा ना। तो एक तो तय है कि 2.5 घंटा से हमको, तो ये दो को गया नहीं। अब इतना भी आसान एग्जाम में हो जाए ना, इतना भी तो बहुत फायदा होता है। 50-50 में फायदा हाँ, हमको तो नहीं होता, नहीं होता है, होगा। समझ में आ रहा है बात, क्या है कि 50 के स्पीड से अमित जा रहा है तो 2.5 घंटा लगता है, अब स्पीड को आप 1% ही बढ़ा दीजिए तो अब जो टाइम है 2.5 घंटा से, तो ये दो ऑप्शन हुए उसी तरह हटा देंगे। लेकिन हम लोग सीपीआर लगाते हैं, उसने स्पीड को कितना बढ़ाया है, 20%। 20% का मतलब 1/5 से बढ़ाया, कहाँ लिखा हुआ है ये तेज जो बढ़ाया है, तो टाइम जो है 1/6 से, तो टाइम है 2.5 घंटा। अब देखिए लड़का 1/6 से 2.5 में भाग दे देने लगेगा, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वो भी सोच समझ के दिया हुआ है, 2 घंटे का मतलब वो 120 मिनट, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, तो 150 को 6 से भाग दे दीजिएगा तो 25, यानी कि 25 मिनट अब कम लगेगा पहले से। तो पहले लगता था 2 घंटा 30 मिनट, अब लगेगा 2 घंटा 5 मिनट। ये बहुत ही फास्ट होने वाला है अगर आप अपने से, ये तो हम बोल के समझा रहे हैं, देखिए कैसे बनता। 20% से तेज किया, 1/5 से तेज हुआ, 1/6 से घटा, 2 120 150 25 2 घंटा 5 मिनट। अब जो हम 150 से 25 माइनस किए तो हमें तो दिख रहा था ना, नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसको घर पे जाके इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और कल क्लास बंद है, कल 26 जनवरी है, ठीक है, और दूसरा 26 जनवरी के कारण बंद मेनली नहीं है, मंथ नहीं, चेकिंग नहीं चल रहा है कि बगल में अभी पता ना क्यों बंद किया हुआ है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो कल या परसों तक है डिस्टर्बेंस, तो कल एगो बच जाएंगे हम लोग डिस्टर्बेंस है, इसके बाद कंटिन्यू है, तो कल बंद है, परसों आना। और होमवर्क बना के लाइएगा, अगर अगले दिन कोई छोड़ दिया, समझ में आ रहा है, काहे इतना बेचैन है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, ले जाके बाहर सब निकाल देते हैं।